अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लैपटॉप स्कीम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच आएंगे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पोस्ट मिल जाएगी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो शो होगी, इस तरह की विंडो शो होगी। आपने इस आर्टिकल को थॉरली रीड कर लेना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप अप्लाई का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा, HEC का, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना CNIC रजिस्टर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना CNIC ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि किसी और वीडियो पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने CNIC ऐड करना है, डैश के बगैर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैलिडिटी चेक की जाएगी। उसके बाद हो सकता है आपके सामने कोई कैप्चा आ जाए, तो आप लोगों ने कैप्चे को जल्दी से फिल कर देना और वेरीफाइड पर क्लिक कर देना। आई एम नॉट रिपोर्ट पे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपने थॉरली से रीड कर लेना है, उसके बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट का CNIC आ गया। उसके बाद ये ऊपर लोडिंग ले रहा है, जैसे लोडिंग लेगा तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें अनेबल हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह सारी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा नेम आ गया, फादर नेम यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फादर नेम ऐड करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहाँ पे मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे डेट ऑफ, यहाँ पे आप लोग खुद सेलेक्ट कर लेगा मेल फीमेल। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, आप लोगों ने भी कर देना अपना। यहाँ पे आप जैसे पोस्ट ऑफिस एंटर करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने कर देने सारे डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों का डोमिसाइल पूछ रहा है कि कहाँ का है, तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है सिटी कौन सी है, मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपने अपनी कर लेना है। अप्लाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने अगर कोई जॉब है तो आप लोगों ने उसको बताना है। उसके बाद आर यू एनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, आप डिसेबल स्टूडेंट है यानी आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ जल्दी से। उसके बाद यू हैव रिसीव एनी लैपटॉप बिफोर, अगर आपने कोई लिया है तो बता देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। मैं भी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ अपने यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप लोगों ने सेलेक्ट करना है आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। हमारी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है, तो मैं इसे जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ फैसलाबाद। उसके बाद यूनिवर्सिटी की लोकेशन पूछ रहा है और यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, तो आप लोगों ने ये भी सेलेक्ट कर लेना है। कैंपस कौन सा है, मेन कैंपस है हमारा। और उसके बाद सब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा है, आप लोगों ने अपना कर लेना, मैं अपना कर लेता हूँ। उसके बाद डिग्री लेवल क्या है, डिग्री लेवल जी हमारा है बैचुलर, और डिग्री प्रोग्राम करंट एनरोल्ड BS ऑनर में हम एनरोल्ड हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम के आपने एडमिशन कब लिया था, तो मैं इसे बता देता हूँ कि सितंबर 2019 में हमने लिया था, और ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन। सेमेस्टर, उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम था हमारा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट दी सेमेस्टर पास एज फॉर जून 30 तक, आप लोगों ने कोई जो सेमेस्टर पास किया हुआ उसकी आप लोगों ने डिटेल यहाँ पे बतानी है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है जी परसेंटेज आप लोगों की क्या है परसेंटेज, मैं भी अपनी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैं परसेंटेज को कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना GPA यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा 7 सेमेस्टर में क्या GPA चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ अपना पोर्टल, आप लोगों ने भी पोर्टल ओपन कर लेना है।
सो लेट्स स्टार्ट। मैं मोबाइल फ़ोन पे अपना पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, तो आप लोगों ने अपना पोर्टल ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं अभी देखता हूँ मेरे क्या सी जी पी ए चल रही है, तो मैं यहाँ पे अपना सी जी पी ए एंटर कर देता हूँ, सॉरी जी पी ए मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैंने जी पी ए एंटर किया तो इसने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिए लास्ट मैसेज की। उसके बाद मैंने इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको करना है जी वेरीफाइड। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपके सेल फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पुट करना है। मेरे पास आ चुका है, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। देन आपने वेरीफाइड पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। तो अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी कर लेना है। वो बता रहा है अगर आप लोगों को वहाँ पे ना मिले तो स्पैम बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो गॉट इट, मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने फर्दर प्रोसेस कैसे करना है। यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे इसको मैंने करना है कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, वेरीफाइड कर दूँगा। वेरीफाइड के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्लेमर पढ़ने को मिलेगा कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट दी है, कोई स्पैम वगैरह नहीं है। तो अगर आपने किया होगा तो आप डिस एलिजिबल हो जाएंगे, आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये आप लोगों ने थॉरली खुद रीड कर लेना है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा। नेक्स्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर योर सेल्फ टू मिस्टर लैपटॉप स्कीम, नोट सक्सेसफुली रजिस्टर डों डज नॉट हैव एनी केस, यहाँ पे गारंटी दी अवार्ड ऑफ लैपटॉप, योर सिलेक्शन विल बी प्रॉपर बेस ऑन मेरिट। आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरिट बेस यहाँ पे आप लोगों की होगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से अप्लाई करना है। और अगर आप बाकी चीज़ें देखना चाहते हो, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग अगर पहले एग्जिस्टिंग आप लोग करके तो आप देख सकते हैं, यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपकी देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लीकेशन अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोग थॉरली देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी, आप खुद थॉरली इसे रीड